आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो संविधान, भारतीय संविधान, संविधान क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए एक लिखित या अलिखित नियम जो बनाए जाते हैं शासन को संचालित करने के लिए, उसी को हम संविधान कहा जाते हैं। तो भारतीय संविधान विधायिका की शक्तियों को परिभाषित करता है, अर्थात केंद्र, राज्य, सरकारी की कार्यकारी की शक्तियों और न्यायपालिका की शक्तियां गलत करते हैं। इसके बाद की जो शासन व्यवस्था है उसमें संविधान द्वारा तीन भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनकी शक्तियों के बारे में जो है संविधान में स्पष्ट उल्लेख किए गए हैं, और उस नियमों के तहत जो है हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का भी को सम्मिलित किया गया है। यह एक राजनीति के निर्देश सिद्धांतों का भी उल्लेख करता है। कानून की आवश्यकता, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्येक स्थिति के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य ऐसे तरीके से व्यवहार कर सके जो दूसरों के लिए अपमानजनक न हो। माने कानून की आवश्यकता इसलिए है कि समाज के प्रत्येक सदस्य, माने कि एक सदस्य व्यवहार कर सके लोगों के प्रति जो है जो दूसरे के वो अपमानजनक ना हो। कानून एक स्थायी सिद्धांत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। माने कानून जो है वो एक स्थायी सिद्धांत के आधार पर जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं कि आप किस प्रकार से चलकर समाज को अच्छा बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय हम कुछ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मैंने कहने का यह एग्जाम्पल में दिया कि ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, हर देश के जो है सड़क के नियम बने हुए, चलने के नियम बने होते हैं। जैसे अगर हमको ट्रैफिक नियम है कि हमको बाएं से चलना है, तो अगर हम बाएं से चलते रहते हैं, अगर हम बाएं से चलेंगे उधर से उधर वाला देख के अपने बाएं से आएगा तो उसमें दुर्घटनाओं की चांस कम होते हैं। लेकिन अगर हम उस नियमों का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। और जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें यही कारण होते हैं कि लोग जो है रूल्स ऑफ रोड को फॉलो नहीं करते हैं। साथ किस प्रकार राष्ट्रों को कुछ नियमों के अनुसार शासित किया जाता है जो देश के कानून के नाम से जाने जाते हैं। और हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें भारत में दहेज पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था। माने हम क्या करते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए एक नियम बनाते हैं और उस नियम को हम क्या करते हैं कानून के रूप में उसको हम जानते हैं। एक एग्जाम्पल दिया कि 1961 ईस्वी में भारत में दहेज निरोधक कानून का निर्माण किया गया। माने इससे हुआ कि जो एक समाज में जो एक बुराई थी, दहेज लेने और देने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। उसके पहले विवाह के समय कन्या को उसके माता पिता द्वारा उपहार के रूप में दहेज दिया जाता। यह एक स्वैच्छिक अधिनियम था और सदियों से दहेज एक दायित्व बन गया था। यदि कोई लड़की दहेज लाने में असमर्थ रहती थी तो उसको ससुराल अपमानित किया जाता था। तो इसको दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज में दहेज के कारण अनेक मौतें होने लगी, लोग जो है लड़कियों को जला देते थे। तो दहेज मांगने और लेने अथवा देने पर रोक लगाने के लिए यह 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम द्वारा वर्णित दहेज दुल्हन के माता पिता के दूल्हे को के रिश्तेदार द्वारा संपत्ति की मांग है। 1961 के अधिनियम में 1981 से एक संशोधन किया गया जिसमें के तहत दहेज का देना या स्वीकृति एक दंडनीय अपराध था। इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया
जाता है उसे 5 साल तक कारावास का सामना करना पड़ सकता है। उसे 15,000 रुपये या दहेज मूल्य की राशि जो भी अधिक हो का जुर्माना लगाया जा सकता है। दहेज की बुराई निश्चित रूप से इन कानूनों द्वारा बहुत बड़ी हद तक नियंत्रण में लाई गई, फिर भी इसके विषय में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो संविधान की जो भूमिका, मैंने एक एग्जाम्पल मिलता है इस किताब में, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कानून का कि समाज में बहुत व्याप्त मैंने बहुत लंबे समय से एक प्रथा रहती दहेज की प्रथा, और दहेज के कारण जो है उसमें जो गरीब मैंने माँ बाप की जो लड़कियाँ होती थी उनकी जो शादियाँ होती थी उन लड़कियों को अपने ससुराल में अपमान दहेज न देने के कारण अपमान उठाना पड़ता था, उन्हें जिसका जला दिया जाता था या तमाम प्रकार की उनको उत्पीड़ित किया जाता था। तो उससे जो है बचने के लिए, रोकने के लिए 1961 में दहेज कानून को बनाया गया। तो यह कानून जो है इसलिए बनाया गया इसलिए कि इस कुप्रथा को रोका जाए। तो यह एक एग्जाम्पल है कि यह कानून इसी प्रकार से जो है देश को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का जो निर्माण किया गया वह एक क्या है संवैधानिक, उसको हम उस संविधान के तहत कह सकते हैं। संविधान की भूमिका है कि देश के लोगों के विभिन्न समूहों के हितों की रक्षा करने वाले बुनियादी नियमों को संविधान के रूप में निर्धारित किया जाता है। ये नियम लिखित या अलिखित हो सकते हैं। ऐसे नियम न केवल सरकारों द्वारा बल्कि अन्य संगठनों के साथ ही, जैसे आपके क्षेत्र में क्लब, एक सहकारी संस्था या राजनीतिक दल पर लागू होते हैं। एक देश का संविधान नियमों का इस प्रकार का एक समूह है जिसके अनुसार शासन चलता है। यह उस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वीकार है और एक अच्छे समाज की नींव रखता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है। राज्य के सभी कानून संविधान के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। एक संविधान विश्वास के ऐसे स्तर पर निर्माण करता है जो विभिन्न प्रकार के लोगों विशेषकर भारत जैसे देश में के साथ एक साथ रहने के लिए आवश्यक है। यह बताता है कि सरकार कैसे गठित की जाएगी और निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा। यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है और नागरिकों के अधिकारों की भी सूची निर्धारित करता है। इसके बारे में आप आगे जो है आपको आगे बताया जाएगा। कानून का नियम यह मांग करता है कि राज्य के विभिन्न अंगों के पदों पर बैठे सत्ता धारण करने वाले लोग कानून द्वारा निर्देशित होने चाहिए और उन्हें किसी मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस उपाय को शक्ति के दुरुपयोग को बचाते और शक्ति संबंधों के लोकतांत्रिक ढांचे का विकास करने के लिए अपनाया गया था। एक संवैधानिक योजना में संसद है जो कानून बनाती है और कार्यकारी उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। अनेक प्रकार से जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कि इसमें कानून बनाने का जो हथियार है देश की संसद को है। देश की जो संसद होती है वह कानून बनाती है और उस कानून को पालन लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद जो होती है या मंत्रिमंडल जो है उसको कार्य प्रदान करती है और उस कार्य को प्रदान करने की जो निगरानी होती है वह न्यायपालिका की होती है। इस प्रकार जो है यह हमारे क्षेत्र की व्याख्या करती कानून की व्याख्या क्या है। संविधान कानून लागू करने के लिए संस्थाओं को अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का एक उद्देश्य सामाजिक समानता को लाने के लिए है। स्वतंत्रता के बाद संविधान संख्या 17 के रूप में उसे व्यक्त किया गया जिसका छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और इनका किसी भी रूप में पालन निषेध है। छुआछूत के कारण उत्पन्न किसी भी अपात्रता को लागू करना कानून के अनुसार ही दंडनीय अपराध होगा। यह ऐसे अपराधों के लिए दंड तैयार करता है जैसे किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे पूजा घरों, विद्यालयों, अस्पतालों में प्रवेश करने से इनकार करना, किसी भी दुकान, होटल या जल, सड़क आदि स्रोतों के उपयोग के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अपात्र ठहराना, मैंने पूरा कुछ है किसी भी मैंने सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों में किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। इस अधिनियम को 1973 में संशोधित किया गया और यह प्रावधान जोड़ा गया कि जिसमें
सुअर छूट का अभ्यास एक कानूनी अपराध घोषित किया गया और इस अपराध के लिए सजा के रूप में 1 से 2 साल कारावास की व्यवस्था की गई है। संविधान में सुअर छूट का निषेध इस अधिनियम के द्वारा यथार्थवादी और प्रभावी रूप से दिया गया है। कानून और असहमति, यदि कानून है तो असहमति भी है। असहमति शब्द का अर्थ है कानून का पालन करने से इनकार करना। मेरे बहुत से लोग हैं कानून का जो है इनकार करते हैं। इस तरह से असहमति का लक्ष्य कार्य नीतियों कानूनों सरकार द्वारा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना है। असहमति विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के संदर्भ में जिन्होंने अपने सम्राटों में निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका। नमक सत्याग्रह 1930 ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अपने देश के शासन की भागीदारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता के शोषण में लगी थी और उसने आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भारत को बर्बाद कर दिया। 1930 में जब भारतीयों की औसत आयु प्रतिदिन केवल 7 पैसे थी उन्हें भारी कमी का भुगतान करना पड़ता था। नमक अधिनियम ने केवल सरकार ही नहीं नमक बनाने का अधिकार दिया था। अगर किसी भी ने नमक बनाया तो नमक को जब्त किया जा सकता है और अपराधी को 6 महीने की कारावास की सजा दी जा सकती है। नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार ने इसे गरीब लोगों को पहुंचने से परे कर दिया और नमक बनाने के प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा। उन्होंने दांडी मार्च की और समुद्र के किनारे जाकर जो है उसको जो है इस कानून को इस ब्रिटिश सरकार के जो है उस जो एकाधिकारी कानून था उसको समाप्त करने का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया। इसके बाद नमक सत्याग्रह कानून की अवज्ञा को न केवल निष्पादित किया गया अपितु सत्याग्रह के 17 वर्ष बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों की इच्छा को चिन्हित करता था और राजनीतिक असहमति का एक उदाहरण इतिहास में होती है। इसके बाद फिर देखिए मद्यपान निषेध आंदोलन है। तो इस प्रकार के जो आंदोलन चलते हैं ये आंदोलन जो होते हैं वह जो कानून होते हैं जो माने दमनकारी जो कानून होते हैं उसको समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण जो है वह भूमिका अदा करता है। फिर आगे जो है अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसके आगे के भाग के बारे में